एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। को सुना तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन आइडल के मंच पे। सर मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आगे भी आप कुछ बोलेंगे, लेकिन चलो खैर इतना भी। जावेद साहब आज यहाँ पर आपके आइकॉनिक गाने तो हमारे सारे टॉप 8 कंटेस्टेंट्स गाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उन गानों के पीछे जो अफसाने हैं वो हम सब यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मेरे ज्यादातर गानों के पीछे तो ये हैं। आप इन्हें अफसाना कहिए, कहानी कहिए, जो भी कहिए। Please put your hands together for 14 Filmfare 5 National Award जीतने वाले, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित शान सिनेमा जादुई अख्तर जावेद अख्तर। मैं ये गाना अपनी दोनों माओं को डेडिकेट करना चाहता हूँ, एक जिसने मुझे जन्म दिया और जिसने मुझे पाला। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी
गाने को गाया नहीं है, किसी के लिए गाया है, कुछ अलग है तुम में. ऐसा एक अजीब सा मतलब फील और वो जो सोल, मतलब तुम आत्मा से गा रहे थे. क्या बात, वाह वाह. सुरों का काम है हम सबका, पर हमारा इंटेंशन क्या होता है कि वो बात हम जो करना चाह रहे हैं, जो गाने के जज्बात हैं, वो किसी के दिल को ऐसे हिला दे, तो ही वो बात मतलब सक्सेसफुल हुई. हाँ, वो तुमने तो कर दिया, अब क्या बाकी है. जहाँ तुम्हारी माँ है वो आज बहुत खुश है, वैभव को खुश देखकर. वो खुश है क्योंकि बड़ी मम्मी के भी चेहरे पे वो खुशी, उनकी आंखों में वो आंसू है खुशी के ऑफ प्राइड कि हमारा लड़का इतना अच्छा गा रहा है. There was just too much of love, pain and soul in your singing. Fabulous. Thank you. मैं तो ये कहूँगा आपने बहुत ही अच्छा गाया. जहाँ से ये ऊपर जाता है गाना, कहने को साथ अपने. Very good. On higher note. सच बात तो यह है कि बच्चे को बहुत दिनों तक यही नहीं मालूम होता कि माँ और मैं दोनों एक अलग जिस्म हैं, अलग बॉडीज हैं. उसे ही नहीं पता होता. आप एक बात देखिए, आप बच्चे को सुलाते कैसे हैं, ऐसे करके हिलाते हैं, सो जाता है. उसे लगता है कि वो आज भी माँ के वूम में है और उन जूसेस में तैर रहा है, तो उसे सुकून मिल जाता है, मैं सेफ जगह हूँ. जब आप उसे धप धप करते हैं तो उसे लगता है कि जो जब माँ के पेट में था तो जो हार्ट बीट उसे अपनी माँ की सुनाई देती थी वही उसको सुनाई दे रही है. ये लेकिन जिंदगी में होता है. मैंने भी आई हैव लॉस्ट माई मदर एट अ वेरी अर्ली एज. लेकिन कहीं से आपको फिर मोहब्बत मिल जाती है. जैसे आपको आपकी ताई ने पाला है, मुझे मेरी आंट ने, मेरी मासी ने पाला था, और वो शी वॉज लाइक अ मदर टू मी. तो एक मदर वो मेरी वो थी जिसने मुझे पैदा किया था, दूसरी मदर मेरी वो थी जिसने मुझे पाला. तो आप भी बड़े किस्मत वाले हैं, आपको तो दो माएँ मिल गई हैं. आप खुश रहिए. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू जावेद साहब एंड थैंक यू जजेस. थैंक यू वैभव फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस. हाउ गुड कुमार, शानू कुमार. आज मैं चाहता हूँ कि हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप भी थोड़े बहुत गाने हमको आज सुना दें सर. देखिए, आपके साथ मैं जितना गाना गाया ना, सारे के सारे हिट गाने हैं. तो एक झलक दिखा दीजिए दादा, ऐसा क्या है. अच्छा ठीक है दादा, मेरी लंबी लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट है. मैं एक एक गाना रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, आप थोड़ा थोड़ा गाते रहिए प्लीज. चलो रिम झिम. रिम झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम भीगी भीगी ऋतु में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं. रिम झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम भीगी भीगी ऋतु में तुम हम तुम चलते कुछ ना कहो
कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। आप लोगों को मैं इस गाने के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इस पिक्चर में 6 गाने थे, 3 गाने आरडी की ट्यून पे थे और 3 गाने मैंने लिखे थे, वो आरडी ने ट्यून किया। ये गाना मैंने लिखा था, उन्होंने ट्यून किया। क्या बात। मैंने लिखा क्या था, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, समय का ये पल थमसा गया है, और इस पल में बस एक मैं हूँ, बस एक तुम, ये था। तो वो सर्कल कंप्लीट, थोड़ी म्यूजिक जाती थी, उसके बाद वापस आते थे कुछ ना कहो। तो मैंने कहा आरडी से कि ये मुझे जरा दिल नहीं खुश हो रहा, होना है चाहिए कि जैसे ही एंड आए, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो पे वापस आ जाओ। तो कहले उसके लिए एक लाइन कम है, एक लाइन बढ़ा दो। तो मैंने एक लाइन ऊपर बढ़ा दी, और इस पल में कोई नहीं, ये वहाँ हिसाब बराबर हो गया। तो ये लाइन जो है ये बाद में डाली, कोई नहीं। तो सर्कल कंप्लीट। आर डी बर्मन जैसा जीनियस जो था, उसकी दीवार से पीठ लग चुकी थी, उसे कोई काम नहीं दे रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि जावेद ये पिक्चर आ जाने दो। और वही हुआ जो शायद वो अपने दिल में सोचता था, लेकिन उसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.